वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय चाहो हुए
कोई प्रतिभा से अध्यक्ष और कौन साल के अध्यक्ष उनके साथ हमारे एडीसी के चेयरमैन सदर मानसिंह जी, वाइस चेयरमैन रविरंजन सिंह कपूर जी, राहुल पांडे जी और एसएसपी कठुआ और तमाम यहाँ हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर टीम में सहोदिया जी, गोपाल महाजन जी जिला देश के हर हिस्से में अनेक ऐसे लोगों ने देश की
समझौता के लिए प्रचार किया है, जिनको देश के इतिहास में उचित महत्व नहीं मिला। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मैं उसके विवरण नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में 400 ऐसे स्थान चिन्हित किए जहां हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी में देश के तमाम महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन स्थलों पर जाकर के भारत सरकार के मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री या अन्य लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके लिए मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 75 साल की हमारी यात्रा निश्चित रूप से हमें कौशल प्रदान करती है, राष्ट्र के रूप में हम आपका अवलोकन करें कि भारत को कहां पहुंचना चाहिए था, कहां हम पहुंच सके। और जब आजादी के 100 वर्ष मनाए गए 25 वर्ष बाद, तो कैसा हिंदुस्तान या कैसा जम्मू कश्मीर हम देखना चाहते हैं, इसका संकल्प यहां हम ले। बहुत सारे नौजवान साथी हमारे बैठे हैं यहां, आज के 25 साल बाद का जम्मू कश्मीर या भारत वो कैसा देखना चाहते हैं, उन्हें संकल्प लेने की आवश्यकता है। मित्रों, उपनिषद का एक श्लोक है, न पश्यो मृत्युपश्यति न लोक न पुरुषान् मा, यानी न मृत्यु देखता है न जीव देखता है, बल्कि सबको आत्मस्वरूप देखता है और वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आत्मरूपता से मानव कल्याण के लिए जो संघर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, वो भारतीय राजनीति के लोक कल्याण के लिए था कि एक नए युग की शुरुआत। जम्मू कश्मीर उनकी जन्मभूमि नहीं थी, लेकिन स्मृति के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और कई मायने में मैं समझता हूं ये उनकी तपस्या है। मैं उनके समर्पण और त्याग को नमन करता हूं। एक विधान, एक किसान और एक प्रधान का नारा डॉक्टर मुखर्जी के लिए उनके जीवन का आदर्श है। उन्होंने लाखों करोड़ों देशवासियों को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा दी थी और उसे पूरा करने के लिए अपने पुरुषार्थ को समाया और लोगों के पुरुषार्थ को जगाया। आज जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 इस व्यवस्था का अटूट हिस्सा बनकर आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है, तो बरस उनके उजस्वी क्रांति की याद आ जाती है जिसने कश्मीर के कन्याकुमारी देश को एक प्रयास से जोड़ने का काम किया। इस मिट्टी में अपने त्याग से डॉक्टर मुखर्जी एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया था जो कई पीढ़ियों तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रेरणा स्रोत बनता रहेगा। मित्रों, वर्ष 2019 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर मुखर्जी के सपने को साकार करके उनकी तपस्या को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी और उस भावना उस स्थान को उस त्याग 130 करोड़ देशवासियों ने साक्षात अनुभव। मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय को जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित कर प्रधानमंत्री जी ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की और उन प्रयासों में प्रत्येक नागरिक का संकल्प जम्मू कश्मीर को विकास के लिए नई ऊंचाई पर ले जाने का देखा जा रहा है। जैसा मेरे पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव हमें से अनेक व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के पहले और बाद में अपनी तपस्या से मानवीयता और प्राचीन परंपरा के मूल्यों के अनुसार भारतवर्ष के एकत्व और समृद्धि की जीवन संपर्क है। इस श्रेणी में कुछ शीर्ष नाम अगर दिए जाएंगे तो उसमें एक नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो, जिन्होंने अपने अटल नैतिक आधार से देश की सेवा के मूल्य
तो संस्थान की गुणवत्ता देश को वंचित कराया और भारत के औद्योगिक विकास की आधारशिला भी होने लगी। कभी कभी डॉक्टर मुखर्जी को केवल इस बात के लिए ही जाना जाता है कि जम्मू कश्मीर न्यायालय के उन्होंने शासन को त्याग किया है, इसमें ज्ञान दिए। मुझे लगता है कि देश को यह जानने की जरूरत कि 2.5 वर्ष में भारत के उद्योग मंत्री के नाते देश में जिस तरह से औद्योगिकीकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया, शायद उसी ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। वर्तमान हमें कैसे भविष्य का निर्माण करने का अवसर देता है जो इतिहास की दृष्टि से अमरत्व प्राप्त हो गया। वैसे भूलकर डॉक्टर मुखर्जी एक शिक्षा में थे और शिक्षाविद के नाते समाज को स्वतंत्र चेतना प्रदान करने के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया और जब राजनीति शुरू करे तो राष्ट्र की स्वाधीनता और राष्ट्र सेवा ये दो मुख्य लक्ष्य थे उनके लिए। और जब स्वतंत्र राष्ट्र की पहली कैबिनेट में मंत्री बने तब भी 21वीं सदी के समाज की दृष्टि से वह मुख्यमंत्री संस्कार की भूमिका में दिखाई पड़ते थे। 10 तारीख को 10 तारीख श्रीनगर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था। जम्मू और कश्मीर के स्कूली शिक्षा को लेकर के अनेक परियोजनाओं का मैंने लोकार्पण किया, उसका शुभारंभ किया। मैं मन में सोच रहा कि क्या अगर डॉक्टर मुखर्जी उस समय देश के शिक्षा मंत्री हुए होंगे तो शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा की दिशा कुछ और हुई होगी। लेकिन मुझे दूसरा ख्याल है, एक और सोच मेरे मन में थी और वो सोच पहली सोच को खारिज कर केवल डॉक्टर मुखर्जी की जगह कोई और इंडस्ट्री मिनिस्टर बन गया होता तो शायद इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रक्रिया उसकी पर नहीं हुई होती और आधुनिक भारत के निर्माण के सपने शायद अधूरे होते। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने भारत भवन के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो नींव रखी उसमें उनकी दूरदर्शिता को स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। वो देश के संसाधनों, उसके वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं से भरी प्रति और उसी के अनुरूप उन्होंने योजनाएं बनाकर उसे लागू की। अविभाजित बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जो उनका कार्यकाल था तो फाइनेंस मिनिस्टर के नाते जो अनुभव उन्होंने अर्जित किया उसके आधार पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जन्म दिया और अपने भारत और भारत भवन के औद्योगिक प्रगति के रास्ते को भी स्पष्ट रूप से बनाया। 2.5 साल के कार्यकाल की कड़ी मेहनत का ही नतीजा भारत शुरू से ही या सबको मालूम है एक कृति प्रधान देश है। या उस दौर में सरकार के लिए इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे मैं समझता हूं कि कई लोग मार्गदर्शी के दोनों काम, लेकिन बहुत कम समय में 2.5 वर्षों के अल्प कार्यकाल डॉक्टर मुखर्जी ने चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंदरी का फर्टिलाइजर कारखाना तथा हिंदुस्तान यात्रा की फैक्ट्री बेंगलोर में स्थापित कराई। आज भी जो नए स्वरूपों में मजबूत एवं सशक्त औद्योगिक प्रगति का आज हमारे देश का आधार बना हुआ। मुझे स्मरण है 2001 में सिंदरी का कारखाना बंद हो गया था फर्टिलाइजर का। आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में फैसला किया कि फिर से इस खाद के कारखाने को बनाया जाएगा। कोविड के कारण विलंब जरूर हुआ लेकिन आज सिंदरी का कारखाना पूरी तरह से काम करने लगा है। मैं समझता हूँ ये भी एक डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि थी भारत सरकार। एक व्यक्ति का कार्यक्रम है भारत का तिरंगा, मैं समझता हूँ स्वास्थ्य की और आपको जान आश्चर्य हो कभी स्वतंत्रता दिवस के लिए नेशनल का एक कॉम्पिटिशन कराया। जितने प्रतिभागी जम्मू में जन्म थे उससे ज्यादा प्रतिभागी कश्मीर भी थे। आज पराग में 8,000 बच्चों ने तिरंगा भरा।
ईज ऑफ लिविंग में जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में
6 महीने में 7 महीने में हम देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर में आया जब मैं आया था मुझे याद है 6 फ्लाइट चलती थी जम्मू से अभी 42 चल रही 32 फ्लाइट चलती थी श्रीनगर से अब 110 चल रही लेकिन जिनकी अवस्था चश्मा बदला हुआ उनको दिखाई नहीं पड़ेगा हाइएस्ट एवर ट्रैफिक जम्मू और श्रीनगर में आजादी के बाद से पिछले 7 महीने में आया हाईएस्ट लेवल स्कूल इनरोलमेंट जम्मू कश्मीर में अभी इस साल रिप्लेस किया गया ट्रांसपेरेंसी में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गए जम्मू कश्मीर देश का पहला इंडिया राज्य है जिसमें डिस्ट्रिक्ट फूड गवर्नेंस लॉन्च किया एस्पिरेशनल ब्लॉक लॉन्च करने वाला भी जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य यूनिट बना है स्टार्टअप की रैंकिंग में भी स्टार्टअप की रैंकिंग और इको सिस्टम में आज फार्मा श्रेणी में घूमने गए जम्मू कश्मीर में सभी लाभार्थियों को डिजिटल मोड से ही पेमेंट किया जा रहा है डीबीटी आधार सीलिंग करके 4.5 लाख से ज्यादा पोस्ट बेनिफिशियरी मैंने जो फर्जी बेनिफिशियरी थे उनको बाहर करने का काम भी किया गया है सत्तर साल में यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,000 करोड़ आया 24 अप्रैल को भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ की जर्मनी आपके सामने करी थी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले 4-5 महीनों में कुल इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ के ऊपर जाएगा जम्मू कश्मीर के 5-6 युवाओं का 1,00,000 करोड़ 18-19 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए यूटी के पेट में खर्च हुआ था 67,000 करोड़ अगले साल 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ 65,000 करोड़ प्रोजेक्ट पूरे हुए 21,327 और मित्रों इस साल 50,700 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं इस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा नेशनल हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट 5 हाइड्रो पावर के प्लांट लगा रहा है जम्मू कश्मीर में ट्रांसमिशन की क्षमता 2 साल पहले 8,224 MVA थी बढ़कर के 11,370 MVA हो गई है डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हमारी 12,745 थी बढ़कर के 16,874 हो गई 19 से पहले जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन 6 किलोमीटर सड़क बनती थी आज 20 किलोमीटर सड़क रोड बन रही है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स डीडीसी चेयरमैन साहब और मेम्बर साहब बोल रहे थे 3 बजट मैंने देखे जब 20 में देखा था तो 5,134 पिछले साल बढ़कर के 12,600 करोड़ और इस साल 22,126 करोड़ बजट है कोई ऐसा जिला नहीं जम्मू कश्मीर का जिसका बजट 3 गुना 4 गुना नहीं बढ़ गया 2.5 गुना 3 गुना तो हल्का बढ़ गया फिर भी अभी तकलीफ में एक साथ काम नहीं हो रहा क्या हम सुबेर साहब को लगे जाके भगवान की पूजा के लिए रखिए 209 पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई और लोगों से फीडबैक भी दिया गया जो ऑनलाइन देख दी गई है सामान्य जनता से फीडबैक भी दिया गया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75% से ज्यादा हमारा अप्रूवल है 75% लोगों ने कहा है कि जो काम हो रहा है उससे हम संतुष्ट हैं हर एक योजना और उसके खर्च की जानकारी प्रतिदिन बीम पोर्टल पर डाली जा रही है जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक कोई पत्रकार उस पर देख सकता है कि इस योजना के लिए कितना पैसा किया गया है कितना खर्च हुआ और कौन सा काम हो रहा है गाँव के विकास कार्यों के लिए जनता की राय आप ही लोगों की राय प्रोजेक्ट तय किए जा रहे हैं ऐसे 20,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इस वित्तीय वर्ष में चिन्हित किए गए हैं मित्रों ब्लैक टॉपिंग यहाँ मैक्सिमाइजेशन शब्द का इस्तेमाल होता है कितनी होती थी यहाँ 2,500 किलोमीटर पिछले साल कितनी हुई 7,723 किलोमीटर सुरक्षा बलों में हमारे जवान इन्होंने भी आतंकवाद की कमर तोड़ दी और 3 साल में मैं कह सकता हूं कि सबसे लंबे समय से जीवित आतंकवादी से लगभग सबका सफाया सुरक्षा बलों ने कर दिया
सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से सवाल उमारा है, मैं बधाई देना चाहता हूँ सुरक्षा एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के अपने जवानों को और अधिकारियों को। इस साल केवल कश्मीर डिवीजन में 130 टेररिस्ट मारे गए, उसमें 36 पाकिस्तान। आतंकवाद के पूरे इको सिस्टम को समाप्त करने के लिए एक योजना बदल रही के तहत सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूँ, बंदूक चलाने वालों से वे ज्यादा गुनहगार हैं जो पूरे इको सिस्टम को चलाते हैं। इस पूरे इको सिस्टम पर भी नकेल कसी जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। कुछ लोग निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, जानबूझ कर की करते हैं, सुरक्षा बलों को भड़काना चाहते हैं। तो 3 सालों की अगर पश्चिमी रही है और बार बार बात को हमने दोहराया कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं, अगर गुनहगार है तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं। ये उनकी ओर से प्रयास है सुरक्षा बल कोई गलती कर रहे हैं ताकि लोग सड़क पर आ जाए, गलती करने वाले नहीं। इस सरकार और दिल्ली में ऐसी है जो शांति खरीदने में विश्वास नहीं करती है, शांति स्थापित करना चाहती है और उसी रात से जम्मू कश्मीर का समर्थन चल रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, पहले से स्थितियाँ काफी बेहतर हुई थी और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। तो आज संकल्प में नहीं, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर देश के सबसे विकसित राज्यों में बना करके केवल प्रशासन के तौर पर नहीं हो सकता, यहाँ आम आदमी जब उनकी संकल्प लेगा, जब एक सुधार की जाएगा तभी ये संकल्प पूरा हो सकता है। आइए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यात्रा में शामिल हुई है उन तमाम शहीदों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनकी वीर नारियों ने, वीर माताओं ने आकर के हमने उनका थोड़ा सम्मान करने की कोशिश की है। ऐसे ही लोगों के कारण कर रही है।